हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अमित एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल जी आई टेक क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं बहुत बेहतरीन शानदार सी क्लास मैथ की। आज कल तक आपकी 1A एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है, आज आपकी एक्सरसाइज 1B स्टार्ट होगी। और इस 1B एक्सरसाइज में आपको पढ़ना है अभाज्य गुणनखंड। क्या बेटा पढ़ना है आप सभी को? अभाज्य गुणनखंड सीखना है कि अभाज्य गुणनखंड कैसे हमें सॉल्व करने हैं। तो बात कर लेते हैं थोड़ा सा अभाज्य गुणनखंडों पे, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपकी पूरी डिपेंड है अभाज्य गुणनखंड पे। तो सबसे पहले आपको प्राइम नंबर आने चाहिए, ठीक है, प्राइम नंबर सॉरी अभाज्य संख्याएं आपको आनी चाहिए। जब तक आपको अभाज्य और भाज्य नहीं पता होगा तब तक आप कैसे सॉल्व करेंगे? अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो संख्या अभाज्य और भाज्य दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है हमारे पास में भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, और दूसरी होती है हमारे पास में अभाज्य संख्या। थोड़ा सा हम इस पर चर्चा करेंगे और फिर आपको हम ले करके चलेंगे आपकी अपनी एक्सरसाइज 1B पे। तो अभाज्य संख्याओं पर आधारित ये पूरी एक्सरसाइज है। तो अभाज्य संख्याएं आपको पता होनी चाहिए कि वे संख्याएं, ठीक है, अभाज्य संख्या की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ सीखो अभाज्य संख्या जैसे हमारे पास में 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, क्या 9 होगी? नहीं होगी। 11 होती है, 13 होती है, 17 होती है, 19 होती है, क्या 20 होगी? 21 होगी, 22 होगी, 23 होगी, 23 होती है सर, 25 नहीं होती, 27 नहीं होती, 28 नहीं होती सर, 29 होती है, डॉट 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 बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अभाज्य संख्याएँ वे संख्याएँ जिनके कम से कम कितने फैक्टर हो जाएँ? 2 और 1। 3 के फैक्टर करोगे तो 3 गुणे 1, 5 के फैक्टर करोगे तो 5 गुणे 1, 7 के फैक्टर करोगे तो 7 गुणे 1। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके कम से कम 2 गुणनखंड होने चाहिए, ठीक है। अभाज्य संख्या हमेशा याद रखेंगे कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके कम से कम 2 गुणनखंड हों। कितने गुणनखंड बेटा होने चाहिए? 2 गुणनखंड हों। कैसी संख्याएं कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। उनमें से 2 गुणनखंड होंगे, वह एक तो 1 होगा और दूसरा होगा अपने पास में स्वयं संख्या, ठीक है। जैसे हम अगर निकालें 7 के, तो 7 का 1 होगा, 1 होगा 1, 1 होगा 7 और 1 होगा 1, तो इसके 2 गुणनखंड हैं। कितने गुणनखंड हैं? 2, 1 है 7 और 1 है 1, तो इसके 2 गुणनखंड हैं। जो संख्या स्वयं से कटती है, स्वयं से कटे और 1 से कटे, ठीक है, वो संख्या हमारी अभाज्य संख्या होती है। और भाज्य संख्या की बात करें, ठीक, तो भाज्य संख्या में 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 2, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 11 नहीं होगा, 12 है, 14 है, 15 है, ठीक है, 16, 17, 18, यही संख्या हमारे पास में होती हैं। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो 6 होती है। भाज्य संख्या में कम से कम संख्या के 3 फैक्टर होने चाहिए। कितने फैक्टर बेटा होने चाहिए? 3 फैक्टर होने चाहिए कम से कम भाज्य संख्या में। एक चीज़ याद रखना, कम से कम 3 फैक्टर, ठीक है, कितने फैक्टर? 3 फैक्टर होने चाहिए आपके पास में। तो टॉपिक रहेगा अभाज्य संख्याओं पर आधारित, तो हम सीखेंगे अभाज्य संख्याएं। मैंने आपको अभाज्य संख्याएं बता दी, अब इसी पर हम लगाएंगे सवालों का अध्ययन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक एक चीज़ हम आपको सिखाते हुए चल ही रहे हैं, घबराने वाली कोई बात है ही नहीं आप लोगों को, ठीक है। सवाल लगाओ, सवाल का सोल्यूशन लो और उसको रिविजन करो प्रतिदिन। अगर देखो, इसीलिए मैं 30 मिनट की क्लास लेता हूँ, आप भी बोर नहीं, हम भी बोर नहीं, आपको भी पढ़ने में मज़ा आया, हमको भी पढ़ाने में मज़ा आया। 5 सवाल लगवाते हैं, 5 सवाल आपको पढ़ने हैं, उन्हीं 5 सवालों का दोबारा रिवीजन मार देना है, फिर एक एक चीज़ देखो। कभी भूल नहीं सकते हो, ज़िंदगी में कभी भूलोगे नहीं और बेहतरीन तरीके से आप याद करते रहोगे, ठीक। तो प्रश्नावली 1B आप खोलेंगे, लिखा हुआ है 1.2 में कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों के रूप में आपको व्यक्त करना है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला ही सवाल है अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है आपको, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है आपको। सवाल दिया गया है 140, पहला ही सवाल जो आपके पास में है
140 दिया गया। अब इसको सर लगाएं तो कैसे लगाएं, कैसे हम इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करें, ये बात आती है आप लोगों के सामने कि सर इसके हम अभाज्य गुणनखंड निकालें तो सर कैसे निकालें, क्या सर प्रोसेस रहेगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा सलूशन है इसका। देखो सलूशन बहुत सिंपल तरीका है, 140 लिखो और अभाज्य संख्या से ही तुम्हें काटना है। तो सबसे छोटी अगर तुमसे कोई अभाज्य संख्या पूछता है तो आपको दो टिक कर देना है, सबसे छोटी अभाज्य तथा सम संख्या, ये हमेशा दो पे टिक करना। ये भी बहुविकल्पी में क्वेश्चन आया हुआ था। दो से काटना स्टार्ट करो, 2 × 7 = 14, 70 पे कटेगा। 2 से काटो, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10 पे कटेगा। 5 से काटो, 5 × 7 = 35 और 7 से काटोगे 1 पे कटेगा। गुणनखंड आप लिख लीजिए 2 × 2 × 5 × 7। अब इसको आप लिखेंगे तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7। क्या इनमें से कोई भी आपको भाज्य संख्या दिख रही है, क्या इनमें से आपको कोई भी भाज्य संख्या दिख रही है, कौन बताएगा, क्या इनमें से किसी को कोई भाज्य संख्या दिख रही है? नहीं दिख रही है। तो सर यही है हमारे पास में इसका आंसर, 2 की घात 2 × 5 × 7। आ गया सवाल समझ में। दूसरे सवाल की तरफ अगर हम बढ़ें तो दूसरा सवाल 156 दिया गया है वो आपके लिए। ठीक है, तीसरा सवाल आपके पास में है 3825, ये हम बताएंगे। तीसरा सवाल 3825, अभाज्य ही गुणनखंड करने हैं, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अगर तुमसे अभाज्य गुणनखंड की बात करता है तो आप 2 से काटो, 3 से काटो, 5 से काटो, 7 से काटो, 11 से काटो, 13 से काटो, 17 से काटो, 19 से काटो, 23 से काटो, ठीक है, 29 से काटो, 31 से काटो, ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं। वह संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से कटे वह संख्या अभाज्य संख्या होती है। आगे बात समझ में, इतना मैं सब कुछ बता गया हूँ, बहुत ही सिंपल तरीका है। ठीक है, तो सवाल था आपके पास में 3825, इस 3825 को आपको करने हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो 3825 के आप गुणनखंड कर दीजिए, बहुत आसान होगा आपके पास में। जोड़ लीजिए, 5 × 2 = 7, 8 × 15 = 3, 18 तीन से कट जाएगा, तो 3 × 3 = 3, 3 × 2 = 6, 2 = 2, 12 × 3 = 6, 2 = 22 हुआ, 3 × 7 = 21, 1 × 3 = 15। ठीक है, 2 × 1 = 3 और 7 × 5 = 12, फिर 3 से कटेगा, तो 3 × 6 = 12, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, 4 × 2 = 5, 11 अब कटेगा नहीं आपके पास में, तो अब आपका कटेगा 5 से 5 = 40, 5 × 25, फिर ये कटेगा 5 से 5 × 5 = 5, 3 × 5 = 35, अब ये कटेगा 17 से। क्या हुआ आपके पास में गुणनखंड, 3 × 3 × 5 × 5 × 17, 3 × 3 = 2 लिखा है तो 3 की घात 2 लिख लो, 5 × 5 = 2 लिखा है तो 5 की घात 2 लिख लो, 17 लिख लो, ये हो गया आपका आंसर। क्या 3, 5, 17 ये अभाज्य संख्याएं हैं, कौन बताएगा कि जी सर ये अभाज्य संख्याएं हैं, 3, 5 और 17, 3, 5, 17, 3 × 3 = 3, 3 से कटेगा 1 से कटेगा, 5 × 5 = 5, 5 से कटेगा 1 से कटेगा, 17 × 17 = 17, 17 से कटेगा और 1 से कटेगा। बात समझ में आ गई सभी को कि 3, 5, 17 ये हमारे पास में हो गया। ठीक है, नीचे तक दिखता है ना बेटा सभी को, कहाँ तक दिखता है, ठीक दिखता है यहाँ तक। तीसरा सवाल हो गया आपके पास में, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपके पास में चौथा है 5005, चौथा सवाल आपको दिया गया है 5005, ये कौन काटेगा, किससे कटेगा, क्या 5 से कट जाएगा ये सवाल, 5005 जो है क्या 5 से कट जाएगा, सर 5 से कट जाएगा, 5 से काट के देख लेते हैं, 5 × 5 = 5, 2 × 0 = 5, 5 × 5 = 5, सर अब तो समझ में नहीं आ रहा है कि सर अब कितने से कटेगा, तो अब कौन बताएगा कि ये सवाल कितने से कटेगा बेटा, तो इसको काटो 7 से, 7 × 7 = 7, 3 हुआ 23 हुआ, 7 × 6 = 28 और 30 हुआ था ना, हाँ 30 हुआ, 7 × 6 = 28, 2 × 7 = 21 कट गया सर, 4 × 3 = 7, 1 = 8, अब सर ये कितने से कटेगा, 11 से कटेगा, 11 × 11 हाँ 11 से कट जाएगा ना, 5 × 7, 11 × 11 और 3 = 33, 11 × 3 = 33, गुड, और काट दो इसको 13 से, 13 × 13, ठीक है, तो 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, क्या इनमें से कोई भी संख्या तुम्हें भाज्य संख्या दिख रही है, नहीं दिख रही है, ये तुम्हें अभाज्य संख्या ही दिख रही है। तो ये सवाल हो गए। एक सवाल आपके पास में है 7429, जो मैं आपको देता हूँ घर के लिए, 7429 ये रहेगा आपका HW, और कमेंट करके आप सभी लोग बताएंगे आकर के। तो पहला सवाल मैंने आपका कंप्लीट कर दिया है, अब दूसरा सवाल समझो।
पहला सवाल हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो इसे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ये संख्याएं ध्यान रखना बेटा अभाज्य ही होनी चाहिए, अभाज्य ही होनी चाहिए, ये संख्याएं अभाज्य ही होनी चाहिए, भाज्य संख्या कभी मत काट देना, क्योंकि सवाल ने कहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक। आगे बात समझ में, अच्छा अगले सवाल पर बढ़ेंगे, ये सवाल हो गया आपका, अब सवाल नंबर दो पर बढ़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड बेटा याद रखना, कभी कोई कन्फ्यूजन आपको होगी ही नहीं, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड याद रखना। अच्छा एक चीज़ बता दें आपको, गुणज और गुणनखंड यहीं पर एक चीज़ बता देते हैं तुम्हें, गुणज कभी कभी आ जाता है, गुणज और गुणनखंड दो बातें होती हैं, ठीक है। गुणज को इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल, और गुणनखंड को इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर, ठीक। अगर आपके पास में ये पहली बात होती है, ये दूसरी बात होती है, अगर आपसे कहे कि पाँच के पाँच गुणज बताइए, गुणज बताइए, सवाल अगर आपसे ऐसे आता है कि पाँच के पाँच गुणज बताइए, ध्यान रखना गुणज और गुणनखंड दोनों अलग अलग बातें होती हैं बेटा, ठीक है। कि कह दे कि पाँच के पाँच गुणज बताइए, तो पाँच के पाँच गुणज आपको बताना है, तो पाँच के पाँच गुणज बताओगे, पाँच को दो से करो, पाँच दूना दस पंद्रह फिर बीस, पाँच दूना दस पाँच दिया पंद्रह, पाँच को बीस पचम पच्चीस, पाँच ही तो मैंने लिखे, तो ये सारे हैं गुणज, क्या हैं ये मल्टीपल हैं, ये पाँच के गुणज हैं। और बात करें तुमसे फैक्टर की, ठीक है, अगर कह दे कि पाँच के गुणनखंड बताइए, गुणनखंड बताइए, तो ध्यान रखना सवाल में, ठीक। तो पाँच का गुणनखंड पाँच अक्कम पाँच, सिर्फ यही होता है हमारे पास में, तो ये इसके गुणनखंड हैं और ये इसके गुणज हैं। दोनों में मैंने अंतर बता दिया कि गुणज क्या होता है और गुणनखंड क्या होता है, ठीक है। ये बात मोटी है, गांठ बांध लेना, कभी कभी सवाल पूछता है इस पर कि गुणज बताइए और गुणनखंड बताइए, हो गया सवाल। अब देखो यहाँ पर सवाल जो दूसरा है वो दिया गया है आपको कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल HCM गुणे LCM होता है, ठीक। तो पहले तो हम सूत्र तुमको बता रहे हैं, वो सूत्र अपनी कॉपी में लिखो, ये फार्मूला है हमेशा आपका याद आएगा रहे याद रहना चाहिए कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, या बोले दो संख्याओं का गुणनफल दूसरी संख्या बराबर में LCM गुणे HCF, ये फार्मूला आपको याद रखना है। यहाँ पर अगर पहली संख्या दूसरी संख्या ना दी गई हो तो दो संख्याएं लिखा होगा, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक। बात वही है, चाहे ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो, दोनों बात एक ही हमारे पास में। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में LCM गुणे HCM। सवाल पे आ जाओ, सवाल तुमको दिया गया है कि सवाल है, पढ़ रहे हैं सवाल को, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM होता है। सवाल पहला दिया गया है आपको 26 और 91, यही तो सवाल दिया गया है, 26 और 91 दिया गया है आपको, ठीक है। सवाल है पहला वाला, दूसरे का पहला सवाल है 26 और 91, ठीक है। तो सबसे पहले आपको 26 के फैक्टर करने हैं, वो भी करने हैं अभाज्य गुणनखंड, तो 26 के गुणनखंड करोगे, दो से कटेगा 13 पे, 13 का कटेगा एक पे, तो इसके गुणनखंड जो आएंगे वो 13 गुणे दो होगा। 91 को आपको फैक्टर करना है, 91 का फैक्टर करोगे तो 3 से तो कटेगा नहीं, कितने से कट जाएगा, 13 सती 91 होता है, 13 सती 91 सात अक्कम सात, इसका फैक्टर हुआ 13 गुणे सात, ठीक है। अब दोनों के तुमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए, ये 26 का हो गया, ये 91 का हो गया, दोनों के तुमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए। सबसे पहले निकाल लेना है तुमको LCM,
एलसीएम निकालना मैंने तुमको पीछे सिखाया है कि एलसीएम कब लिखा जाता है। एलसीएम देखो 13 यहाँ लिखा, 13 यहाँ लिखा, मतलब दोनों में ये कॉमन है, तो जो कॉमन होता है उसको एक बार में लिखा जाता है। जो दोनों में कॉमन है उसको एक बार में लिखो एलसीएम में, जो बचा दो बचा सात यहाँ लिखो। आगे बात समझ में, तो ये इसका एलसीएम हो गया 13 × 2 = 26 गुणे सात, 7 × 6 = 42, 4 × 7 = 14, 4 = 18, 182 इसका एलसीएम हो गया। और दूसरी बात इसके एचसीएफ को चेक कर लेते हैं कि इसका एचसीएफ कितना होगा। वह छोटी से छोटी संख्या, यहाँ पर जो एचसीएफ होता है सॉरी एलसीएम होता है वो छोटी से छोटी संख्या होती है, छोटी से छोटी संख्या। और जो एचसीएफ तुमको निकालना है जो दोनों में कॉमन मिल रहा है, एचसीएफ का मतलब जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, वो है 13, यहाँ होता है बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या। बात समझ में आ रही है ना सभी को? बात समझ में आ रही है? तो एलसीएम कितना आ गया 182, एचसीएफ कितना आ गया 13। अब सवाल क्या कह रहा था आपसे कि सिद्ध कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, अब आपको सिद्ध करना था, जो वो लिखिए आप, सिद्ध करना है आपको, क्या सिद्ध करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यहाँ आप नोट करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है, यही तो सिद्ध करना था। तो दो संख्याएं थी कौन कौन सी? पहली संख्या 26 थी, दूसरी संख्या 91 थी। तो दो संख्याओं का गुणनफल तो 26 गुणे 91 बराबर में एलसीएम कितना आपने निकाला 182 और एचसीएफ आपने कितना निकाला 13, यही तो निकाला। दोनों की गुणा करो इधर लिख दो, दोनों की गुणा करो इधर लिख दो, तो 26 और 91 की जब गुणा करोगे तो 26 और 91 की जरा गुणा कर लेते हैं, 26 की 91 से 1 × 6 हो जाएगा, 1 × 2 = 2 हो जाएगा, 9 × 4 = 54 हो जाएगा, बचेगा 5, 9 × 2 = 18, 5 = 23 हो जाएगा। तो ये 6, ये 6, ये 3, ये 2, तो इसकी जो गुणा होगी वो 2366 हो जाएगी। इसकी गुणा हम करते हैं तो 13 × 2 से करेंगे, तो 13 × 2 = 26, 2 हासिल चलेगा, 13 × 8 = 104 और 2 = 106, 10 हासिल चलेगा, 13 × 13 = 10, 23 हो जाएगा। क्या दोनों संख्याएं आपस में बराबर हैं? बराबर हैं। अतः प्रूफ होता है कि ये दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा। किस किस को ये सवाल समझ में आ गया? ये सवाल किस किस को समझ में आ गया सभी लोग बताएंगे कमेंट करके तुरंत फटाक से। मजा आया कि नहीं आया? मजा आया कि नहीं आया सवाल में बताओ? फिर अगला सवाल बताया तुमको एक और, 510 और 92 दिया गया है, अगला सवाल भी तुम्हें बताते हैं। सवाल में मज़ा आया? आप कहोगे सर इसमें मज़े वाली कौन सी बात है, तो मज़े वाली बस यही बात है कि सवाल आपको समझ में आ जाए, समझ लो आपको मज़ा आ गया, ठीक है, मज़ा आएगा आपको सवाल लगाने में। सवाल नोट हो गया सभी का? एक बार नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल कंप्लीट हो गया, आगे देखो दूसरा सवाल तुमको समझाते हैं। हमेशा ध्यान रखना अभाज्य गुणनखंड ही आपको करने हैं, ठीक है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड से रिलेटेड चैप्टर है, तो आपको करना अभाज्य गुणनखंड ही है बेटा, ठीक है। अच्छा, दूसरे का पहला सवाल हो गया, जरा दूसरे के दूसरे वाले सवाल की बात कर लेते हैं। दूसरे का जो दूसरा सवाल दिया गया है वो 510 और 92 दिया गया है। कितना बेटा दिया गया है? 510 और 92 दिया गया है। जरा इसका काम करते हैं। दूसरे का दूसरा वाला जो सवाल है वो है 510 और कितना दिया गया है बेटा, देख लेते हैं एक बार में। 510 और 92। सबसे पहले आपको क्या काम करना है? जो सवाल संख्या 510 दी गई है इसके आपको फैक्टर कर लेने हैं। 510 के फैक्टर करो, 2 × 2 = 4, यहाँ 1 बचा, यहाँ हुआ 11, 2 × 5 = 10, 1 बचा, 2 × 5 = 10, 5 से काट दो, 5 × 25, 5 × 5 = 5, 3 से काट दो, 3 × 3 = 3, 2 बचा, 21 हुआ, 3 × 7 = 21, 17 से काट दो, 17 × 17, तो यहाँ पे जो निकल के आया वो 2 × 5 × 3 × 17 निकल के आया। सारी संख्याएं अलग हैं, सारी संख्याएं अभाज्य हैं, तो ये आ गया पहला इसका बात। 92 का गुणनखंड कर लेते हैं, 92 का गुणनखंड करते हैं, 2 से काटते हैं इसको, 2 × 8 हो जाएगा, 2 × 12 हो जाएगा, 2 × 12 = 8, 23 हो जाएगा, 23 को 23 से ही काटना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा
टू इंटू टू इंटू 23 और 2 कॉमन है तो 2 की पावर 2 हो जाएगा और 23 हो जाएगा। किसको बात ये समझ में आ गई? फिर तुम्हें क्या करना है सेकेंड स्टेप में? पहला स्टेप तो आपको यही करना है, सेकेंड स्टेप में आपको करना है एलसीएम निकालना है। क्या निकालना बेटा? एलसीएम। एलसीएम सर आपने बताया था कि जो कॉमन मिलता है उसी को हम लिखते हैं, तो 2 यहाँ कॉमन दिख रहा है, 2 यहाँ कॉमन दिख रहा है, उसको लिख लो। और तो कुछ यहाँ कॉमन नहीं, यहाँ कोई कॉमन नहीं, तो जो बचा वो लिखो। बचा 5 × 3 × 17, यहाँ इतना बचा था, यहाँ कितना बचा? 2 × 23 सर इतना बचा। अब तो बहुत बड़ी गुणा हो गई, तुमको गुणा करनी है बेटा, बहुत बड़ी गुणा हो गई। 2 × 5 = 10, 10 × 3 = 30, ये हो गया 30 × 17 = 34 × 23, ये हो गई इसकी गुणा। अब इसकी गुणा करके आपको लिख देना है 30 × 34, इसकी गुणा कितनी आ जाएगी? कौन बताएगा इसकी गुणा कितनी आएगी? कौन बताएगा? 23,460। ये मैंने पहले से कर रखी है, 23,460, यही आपको बतानी है, ठीक है। अच्छा फिर हम बात कर लेते हैं, तो ये तो लासा निकल के आ गया, HCF निकाल लेते हैं इसका। HCF कितना होगा? सर HCF आपने सिखाया है कि जो इसमें और इसमें जो कॉमन मिले उसी को HCF कहते हैं, तो 2 यहाँ दिख रहा है, 2 यहाँ दिख रहा है, तो इसका HCF सर हो जाएगा 2, ठीक है। LCM निकल आया, HCF निकल आया। अब सर जो प्रूफ करना है उसे आप चेक कर लीजिए कि प्रूफ दैट, क्या मुझे प्रूफ करना है कि 2 नंबर्स आर मल्टीपल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर में LCM इंटू HCF। 2 संख्याओं हैं, 2 नंबर, 2 नंबर्स आर फैक्टर इक्वल टू LCM इंटू HCM, तो 2 संख्याओं का गुणन। 2 संख्याएं सर कौन कौन सी थी? एक संख्या सर थी 510, एक संख्या थी सर 92, और इनका LCM सर निकला है 23,460 और HCF सर निकला है 2। अब गुणा करके आपको लिख लेना है, 510 की 92 से गुणा यहाँ हम कराए दे रहे हैं, 92 से गुणा कराओगे तो 2 × 0 = 2, 2 × 5 = 10 हो जाएगा, 9 × 0 = 9, 9 × 9 = 45, 0 × 2 = 9, 6, 4 ये आ गया आपके पास में 46,920। क्या इधर आएगा? 2 × 0 = 2, 6 × 12 = 2, 6 + 1 = 2, 6 + 8 = 9, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4 सर बराबर आ गया 46,920, 46,920 मतलब ये चीज़ हमारे पास में सिद्ध होती है कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो LCM इंटू में क्या होता है? HCF होता है। ऐसे आपको सवाल को सॉल्व करना है। सवाल दिख रहा है ना? बढ़िया दिख रहा है, बढ़िया सवाल, ठीक है। एक सवाल इसका और बचता है, क्या मैं उसे तुम्हें घर के लिए दूँ या मैं ही बता दूँ? आप लोग बताएंगे मुझे। सवाल आपके पास में बचता है 336 और 54, ये सवाल आपको अपने आप से करना है, ये सवाल मैं नहीं बताऊंगा। एक सवाल आपका HW का है, जो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये HW का है 336 और 54, ये आप HW में करके लाएंगे और मुझे बताएंगे, क्योंकि मैंने 2 सवाल आपको इस तरीके के कराए हैं, एक सवाल आपका होमवर्क है, ठीक है। 336 और 54। अब तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तीसरे सवाल की तरफ बढ़ चलते हैं भैया, बढ़ चलते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है तीसरे सवाल में। मज़ा आ रहा है ना सभी को पढ़ते हुए? मज़ा भैया आना चाहिए, पढ़ाई ही जीवन, पढ़ाई से बना हुआ है, पढ़ाई ही है जिससे हम अपने आप को बदल सकते हैं, अपनी फैमिली को बदल सकते हैं, अपने परिवार को बदल सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सवाल नंबर 3 कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को HCF और LCM ज्ञात कीजिए। फिर वही सवाल घूम फिरा करके, वही सवाल आपके पास में है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसमें सिर्फ आपको HCF और LCM निकालना है, यहाँ पर आपको इस सूत्र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सवाल नंबर 3, तीसरे का पहला सवाल आपके पास में, आपके बोर्ड पे आ चुका है 12, 15 और 21। सवाल क्या है? 12 है, 15 और 21, ये सवाल आपके पास में है, 12, 15 और 21 ये सवाल है। इसमें भैया आपको करना क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM बताना है। क्या बताना है बेटा? अभाज्य गुणनखंड से,
ये हमने कहा था कि ये एक्सरसाइज आपके अभाज्य गुणनखंड पर आधारित है, अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है, विधि से एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करो, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि 12 के गुणनखंड कर लेने हैं, तो दो छंग 12 होता है, दो तियाँ 6 होता है और तीन अक्कम 3 होता है। सर दो गुड़े 3 ये हो गया इसका। फिर बात करते हैं, बात आती है 15 नंबर की, तो 15 का करते हैं, तो 3 5 जा 15 5 1 जा 5, तो 3 × 5 हो गया। फिर बात आती है 21 की, तो 21 का करते हैं, तो 3 7 जा 21 7 1 जा 7, तो 3 × 7। सर हमको निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। सर आपने सिखाया है कि जो एलसीएम होता है वो अगर तीनों में अगर कोई संख्या कॉमन मिलती है तो उसको लिखा जाता है। तो सर यहाँ मुझे 3 दिख रहा है, यहाँ मुझे 3 दिख रहा है, यहाँ मुझे 3 दिख रहा है, तीनों में कॉमन है, तो सर उसको हम एक बार नोट कर लेते हैं। दोबारा फिर चेक करते हैं कि क्या कोई संख्या कॉमन है, नहीं है, तो यहाँ 2 × 2 लिखा है, तो 2 × 2 लिख दो, और यहाँ बचा 5 तो 5 लिख दो, और यहाँ बचा 7 तो यहाँ लिख दो 7। गुणा करा के लिख दो बेटा, 5 × 2 = 10 10 × 2 = 20 20 × 3 = 60, तो 20 × 60 × 7 = 42 420। बात आ जाती है एच सी एफ की। सर एच सी एफ निकालना है। सर आपने एच सी एफ मुझे सिखाया है बहुत बेहतरीन तरीके से कि अगर किसी भी संख्या का एच सी एफ निकालना है तो तीनों में जो कॉमन मिल जाए, अगर 2 संख्याएं तो 2 में कॉमन, 3 संख्याएं तो 3 में कॉमन, 4 संख्याएं तो 4 में कॉमन, तो तीनों संख्याओं में मुझे 3 3 3 दिख रहा है, तो एच सी एफ इसका हो गया 3। सवाल ख़त्म। यहाँ पर आपको चेक नहीं करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, ये आपको नहीं बताना है। आगे बात समझ में, एक सवाल और बताएं आप सभी को, तभी तो मज़ा आएगा, वरना समझ कैसे पाओगे, अभी तो मैंने एक ही सवाल बताया है। एक सवाल और बताते हैं बस फिर ख़त्म करते हैं आज की क्लास को, और फिर बताएंगे तुम्हें कल। थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे बढ़िया रहेगा, भी होता रहेगा, वरना पेट में बदहजहमी बन जाएगी। सवाल है आपके पास में 17 23 और 29, 17 23 और 29, ये सवाल है आपके पास में। वही काम करना है आपको, एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना। तो सबसे पहले हम 17 को फैक्टर करते हैं, तो सर 17 के तो फैक्टर 17 कम 17 ही होगा, इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता। सर 23 के फैक्टर करते हैं, तो 23 का भी सर फैक्टर 23 अक्कम 23 होगा। बात आती है सर 29 की, तो 29 का फैक्टर करते हैं, तो 29 अक्कम 29 होगा, क्योंकि ये तीनों संख्याएँ तुम्हारे पास में अभाज्य संख्याएँ हैं। कैसी संख्याएँ बेटा? ये तीनों अभाज्य संख्या हैं, ठीक है, ये तीनों आपके पास में अभाज्य संख्या हैं। बात आ जाती है सर इसके एलसीएम की, कि सर इसका एलसीएम कितना होगा। तो एलसीएम इन तीनों में देखो एक 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 कॉमन मिल रहा है, तो एक लिख लो। बचा 17, बचा आपके पास में 23 और बचा आपके पास में 29, तो 29 लिख लिया। सर इसका एचसीएफ कितना होगा, ये गुणा करके बेटा लिख लेना अपने आप, ठीक है। इसका एचसीएफ कितना होगा, तो एचसीएफ सब में एक 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 कॉमन मिला था, एचसीएफ हो जाएगा 1। हमेशा ध्यान रखना कि दो अभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होता है, जो मासा होता है, वो हमेशा एक होता है। ये बहुकल्पी में क्वेश्चन पूछा गया है कि दो अभाज्य संख्याओं का मासा सदैव होता है, दो अभाज्य संख्याओं का मासा सदैव होता है, एक होता है। कितना होता है बेटा? एक होता है, हमेशा याद रखना। तो अब एक इसका HW है आपके लिए, HW आपके लिए है 8 9 और 25। वही आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका LCM निकालना है और HCF निकालना है, ये आपका HW के लिए है। 3 सवाल मैंने आपको बताए हैं, अब चौथे सवाल से अब आपको कल बताएंगे, ठीक है। 3 सवाल आपके हो गए हैं, चौथा पांचवा छठा सातवां सवाल बचे हैं, ये भी सवाल मैं आपको बता दूंगा। आपको 1B से भी फुर्सत मिल जाएगी, फिर आगे बढ़ेंगे इसी प्रकार से धीरे 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 सत्र में हम सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। आपको भी मज़ा आएगा, मुझे भी मज़ा आएगा, ठीक है। तो अब आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल इसी मोड पर, इसी चैनल पर।
जी आई टी क्लासेस पे। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़कर मेरी विनती है, अगर हम मेहनत करते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेरी क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे।